खबर बुलंदशहर हिंसा से जुड़ी है, जिसमें पुलिस ने आरोपियों की लिस्ट फोटो, नाम और पते के साथ जारी की है। लेकिन इस बार इस मामले में नया मोड़ आ गया है। बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के बाद अब बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसएसपी ने एक लिस्ट जारी की है। लेकिन इस लिस्ट में दूसरे नंबर के स्थान पर विशाल त्यागी का नाम है, लेकिन वहां किसी बेकसूर की फोटो को चिपका दिया गया है। दरअसल बुलंदशहर पुलिस ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए आरोपियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें बेकसूर विशाल का फोटो चिपका दिया गया। और वहीं अपनी ये शिकायत लेकर वो मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार से मिलने पहुंचा। इस मामले से उसका कोई लेना देना ना होने की बात भी कही। वहीं उसका ये भी कहना है कि जिस फोटो में उसका एड्रेस और उसके पिता का नाम लिखा है वो उसका नहीं है। विशाल त्यागी ने आरोप लगाया है कि इस जारी लिस्ट में फोटो फेसबुक से उठाकर लगाया गया है। घटना वाले दिन भी वो अपने ऑफिस में ही मौजूद था। विशाल त्यागी, सन ऑफ विजयपाल सिंह त्यागी। सर, जब एडीजी से मिलना है, किस मामले को लेकर आप एडीजी से मिलना है? सर, जो सयाना घटना पे इन्होंने कल लोग घटना पे इन्होंने कल के आज के पेपर में लिस्ट छापी है, उसमें विशाल त्यागी, सन ऑफ सुरेंद्र सिंह सयाना है। तो उस पर जो फोटो अपलोड कर दिया वो मेरा कर दिया, जबकि मैं रहने वाला विशाल त्यागी, सन ऑफ विजयपाल सिंह त्यागी हूँ और ग्राम हिरनौट, वर्तमान में बुलंदशहर रहता हूँ, थाना शिकारपुर लगता है मेरा। क्या सूची जारी करी थी, किन कांड, कौन सा कांड? फरार आरोपियों की जो गौ हत्या के मामले में वो थी। क्या मतलब आप क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ बुलंदशहर चैरिटेबल ब्लड बैंक, और घटना के दिन भी मैं वहीं पर मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज है, उसमें मेरा उस घटना से कोई लेना देना दूर होगी, जिससे मेरे छाप दिया, जबकि मेरे पब्लिक सिटी गलत हो गई है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मुझे बहुत ही इमेज को धक्का लगा। किसकी तरफ से वो सूची जारी करी गई थी, कुछ उस पर लिखा था? नहीं, उस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर और ये सारा कुछ उस पर लिखा हुआ था, बाकी मैंने डिटेल में पढ़ी। इतनी गलती से, पता नहीं किसकी गलती से फोटो मेरा लग गया है। इस बारे में चर्चा करने के लिए डीजी सर से मैंने बात की। बुलंदशहर हिंसा जो हुई थी, जो कांड हुआ था, उसको लेकर सूची जारी करी। जी, आपको आरोपी ठहराया गया? नहीं, मेरे को फोटो दिखाया गया है, बाकी मेरी उसमें एड्रेस और सन ऑफ मैच नहीं खाता। मैं आधार कार्ड भी है मेरा, मेरे पे आधार कार्ड ये देख सकते हैं आप, उससे सब कुछ है मेरे। फोटो आपका है? हाँ, फोटो मेरा, आधार कार्ड ये रहा, सन ऑफ मेरी ये थी। कैसे पता लगा आपको? मुझे लोगों के फोन आने शुरू हुए तो मैंने पेपर में देखा, तो मुझे रिलायबल हुआ कि हाँ ये गलत। बहरहाल ये मामला सामने आने के कारण इस मामले में पुलिस की भूमिका शक के घेरे में आ जाती है। क्या पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? मेरठ से आलम सिद्दीकी की रिपोर्ट, हेडलाइंस हलचल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।